हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्किस्टिक। आज के वीडियो में हम देखेंगे वॉवेल टीम किसे कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स 26 होते हैं, उसमें से 5 वॉवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो अगर किसी इंग्लिश वर्ड में वॉवेल जब पेयर में आता है, जैसे कि ए ई, ए आई, ओ यू या फिर ओ आई, तो उस वर्ड को कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनकी साउंड थोड़ी ट्रिकी होती है। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स के बारे में हम जानेंगे और एंड में उसकी प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट देखेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनरली वॉवेल टीम बच्चों को क्लास फर्स्ट में सिखाया जाता है। सबसे पहले हम बच्चों को सिखाते हैं फोनिक्स, देन टू लेटर वर्ड्स और देन सीवीसी वर्ड्स, जिसमें कॉन्सोनेंट और वॉवेल का ब्लेंडिंग होता है। तो जब हम बच्चों को फोनिक्स सिखाते हैं तो उसमें से मैक्सिमम कॉन्सोनेंट के साउंड डायरेक्ट होते हैं। जैसे कि बी, बी का फोनिक साउंड होता है ब, डी, ड, F, F, तो इनको जब किसी वॉवेल के साथ पढ़ते हैं, जैसे कि बी ए, बे, डी ए, डे, तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट को एक साथ मिला के पढ़ना इजी होता है, क्योंकि बच्चों ने सी वी सी वर्ड्स ऑलरेडी पढ़े हैं। उसी तरह से बच्चों को टू वॉवेल्स एक साथ किसी वर्ड में आते हैं तो इन्हें कैसे पढ़ना चाहिए, ये सिखाने के लिए हमें बच्चों को वॉवेल टीम क्या है ये समझाना है। तो अब हम देखेंगे व्हाट आर वॉवेल टीम्स। वॉवेल टीम इज अ स्पेलिंग पैटर्न दैट यूजेस टू और मोर लेटर्स टू रिप्रेजेंट अ सिंगल वॉवेल साउंड। वॉवेल टीम एक स्पेलिंग का पैटर्न है जिसमें दो और दो से ज्यादा लेटर्स रिप्रेजेंट करते हैं वॉवेल का सिंगल साउंड। जैसे कि यहाँ पे कुछ वॉवेल टीम्स है, ए आई, ई ई, ए वाई, ए यू, ई ए, तो ये सारी जो है वो वॉवेल टीम्स है। तो अब आप सोचेंगे कि ए वाई और यू वाई में वाई वाई आया, ये तो कॉन्सोनेंट है, तो ये वॉवेल के टीम में कैसे क्या आया। तो इसके भी कुछ रूल्स है कि कब वाई वॉवेल है और कब वाई कॉन्सोनेंट है। तो वो रूल्स कौन से हैं ये अब हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वाई वॉवेल कब है। तो पहला रूल यहाँ पे है, व्हेन देयर इज नो अदर वॉवेल इन द वर्ड। जब किसी वर्ड में एक भी वॉवेल नहीं है तब वाई वॉवेल का काम करता है। जैसे कि यहाँ पे फ्राई, एफ आर वाई फ्राई, इसमें एक भी वॉवेल नहीं है तो यहाँ पे y वॉवेल का काम करेगा। सेकेंड रूल है यहाँ पे, when y follows the last vowel और last consonant of the word। जब किसी वर्ड में y consonant को या फिर वॉवेल को फॉलो करता है तब y वॉवेल कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, when the y is at the end of the syllable और in the middle of the syllable। जब y syllable के एंड में आता है या फिर मिडल में आता है तो y वॉवेल होता है। अब syllable मतलब क्या, syllable एक यूनिट है प्रोनाउंसिएशन का जिसमें एटलीस्ट वन वॉवेल साउंड होता ही है, तो उसे सिलेबल कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, वाई कॉन्सोनेंट कब है, व्हेन द वाई इज एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। जब वाई किसी वर्ड के बिगिनिंग में होता है, स्टार्टिंग में होता है, तब वाई जो होता है वो कॉन्सोनेंट होता है। सेकेंड रूल है यहाँ पे, व्हेन द वाई इज एट द बिगिनिंग ऑफ द सिलेबल। जब सिलेबल के बिगिनिंग में वाई आता है तब वाई कॉन्सोनेंट होता है। तो इसमें से हमें पता चलता है कि y कॉन्सोनेंट कब होता है और वॉवेल कब होता है। अब जो वॉवेल पेयर्स हमने देखे थे उसमें से कुछ वॉवेल पेयर जो है वो एक रूल फॉलो करते हैं, तो वो कौन सा रूल है और कौन से वॉवेल पेयर है ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ वॉवेल पेयर्स हैं जो एक रूल फॉलो करते हैं। तो वो रूल है, व्हेन टू वॉवेल्स गो वॉकिंग द फर्स्ट वन डज द टॉकिंग। यानी व्हेन टू वॉवेल्स गो वॉकिंग मतलब किसी वर्ड में अगर दो वॉवेल आते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए आई, तो आपको फर्स्ट वन डज द टॉकिंग, तो आपको फर्स्ट वॉवेल का नाम ही पढ़ना है। मतलब ए आई साथ में हो तो आपको पढ़ना है ए, ई ए साथ में हो तो आपको पढ़ना है ई, यानी फर्स्ट वॉवेल का नेम ही आपको पढ़ना है जो कि लॉन्ग साउंड है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो रूल लागू होता है वो है, व्हेन टू वॉवेल्स गो वॉकिंग द फर्स्ट वन डज द टॉकिंग। इसके अलावा वॉवेल टीम में वॉवेल डायग्राफ्स और वॉवेल डेप्थॉन्स होते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। जो वॉवेल पेयर्स हमने देखे अब उसके वर्ड्स हम देखेंगे, जिसे दो वॉवेल्स एक साथ होने पे उस वर्ड को कैसे पढ़ा जाता है ये बच्चों को समझ में आए। यहाँ पे कुछ वॉवेल पेयर्स है उसके दो दो वर्ड्स हम देखते हैं, जैसे कि ए आई, तो यहाँ पे ए आई से वर्ड होगा सेड, एस ए आई डी सेड, तो यहाँ पे ए आई वॉवेल पेयर। ब्रेन, बी आर ए आई एन ब्रेन। अब ई ए से रीड, R E A D रीड, यहाँ पे E A। बिक, B E A K बिक।
ई, सीड, एस डबल ई डी, सीड, यहाँ पे ई, नीड, एन डबल ई डी, नीड, ए वाई के वर्ड्स, डे, डी ए वाई, डे, क्ले, सी एल ए वाई, क्ले. नेक्स्ट है यहाँ पे ई वाई, तो यहाँ पे वर्ड है की, के ई वाई, की. मनी. अब आई ई के वर्ड्स, फ्राइड, एफ आर आई ई डी, फ्राइड, यहाँ पे आई ई. लाई, एल आई ई. अब ओ ए के वर्ड्स, गोट, जी ओ ए टी, गोट, यहाँ पे ओ ए. रोड, आर ओ ए डी, रोड. इस तरह से यहाँ पे कुछ वर्ड्स है. अब देखते हैं हम प्रैक्टिस वर्कशीट. तो ये रही प्रैक्टिस वर्कशीट. इसमें पहला क्वेश्चन है, अंडरलाइन द वोवेल टीम इन द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट द वोवेल टीम इन द ब्लैंक. यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं उसमें से बच्चों को वोवेल टीम आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करना है, देन उसे यहाँ पे लिखना है. जैसे पहला है सेड, एस ए आई डी, सेड, तो यहाँ पे ए आई वोवेल टीम है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए आई. रीड, आर ई ए डी, रीड, तो यहाँ पे ई ए. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पे एन डैश एस ई, तो यहाँ पे एन ओ आई एस ई, नॉइज. एफ एल डैश ई आर, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, फ्लावर. नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ए आई और ए वाई वर्ड्स, तो यहाँ पे ए आई और ए वाई वर्ड्स दिए हैं बच्चों को, वो सिलेक्ट करके सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं. जैसे कि आई वेयर अ रेनकोट व्हेन इट रेन्स, तो यहाँ पे आएगा रेन्स, यहाँ पे ए आई वर्ड है. डैड विल डैश द रूम, डैड विल पेंट द रूम, अगेन यहाँ पे ए आई वर्ड आया. आई एम गोइंग टू द डेंटिस्ट ऑन ट्यूजडे, तो यहाँ पे ई एस, तो यहाँ पे है ए वाई, तो यहाँ पे आएगा ट्यूजडे, टी यू ई एस डी ए वाई, ट्यूजडे. नेक्स्ट है यहाँ पे सॉर्टिंग एक्टिविटी दी है, तो बच्चों को वोवेल टीम में वर्ड्स लिखने हैं. जैसे कि ए आई वोवेल टीम, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, वेट, डब्ल्यू ए आई टी, वेट. ए वाई वोवेल टीम, प्ले, पी एल ए वाई, प्ले. ओ ओ, तो यहाँ पे बुक, बी डबल ओ के, बुक. ई ए, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड है, लीफ, एल ई ए एफ, लीफ. इस तरह से ये वर्कशीट बच्चों को कंप्लीट करनी है. तो आज हमने इस वीडियो में देखी वोवेल टीम किसे कहते हैं. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक यू.